हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन बूस्टर में आपका स्वागत है। यदि आप संविदा शिक्षक वर्ग वन की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो जरूर देखें, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। और जो हम क्वेश्चंस लाए हैं वो रीडिंग से है, तो स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए विकल्पों में से तीन में किसी प्रकार की समानता है जबकि चौथा भिन्न है, तो इसका आंसर है बी पिल्ला। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से तीन में किसी प्रकार की समानता है जबकि चौथा भिन्न है, तो विषम का चयन करें, तो आंसर है डी दिमाग। नेक्स्ट, नीचे दिए गए चार शब्दों में एक को छोड़कर सभी कुछ दृष्टि में एक समान है, टमाटर बैंगन खीरा आलू, तो विषम शब्द का चयन कीजिए। इसमें मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, प्लीज़ इसका आंसर आप ही सर्च कर लें, इसका आंसर मुझे समझ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या एक कड़ी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, तो इसका आंसर है सी 125। निर्देश, प्रश्न संख्या 5 से 8, नीचे दिए गए विकल्पों में से तीन में से किसी प्रकार की समानता है जबकि चौथा भिन्न है, विषम का पता लगाना है। यानी 5 से लेके 8 तक जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें एक विषम होगा कोई, उसका पता करना है। जैसे 5वां है, गारो खांसी काकड़ा जयंतिया, तो इसका विषम है सी काकड़ा। नेक्स्ट, इसमें इसमें कौन सा होगा त्रिभुज, स्पर्श रेखा, वर्ग और चतुर्भुज, तो इसमें होगा बी स्पर्श रेखा। नेक्स्ट, अप डाउन अबव स्मॉल, तो इसमें कौन सा होगा डी स्मॉल। नेक्स्ट, दौड़ना चलना कूदना सोचना, तो इसका होगा सी सोचना। नेक्स्ट, कौन सा शब्द अन्न के साथ संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर है बी औस। नेक्स्ट, कौन सा शब्द अन्न के साथ संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर है डी काठमांडू। नेक्स्ट, 11 से 12 तक जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें अक्षरों का चार समूह है जिसमें से तीन किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है, तो अपन को भिन्न को चुनना होगा, तो 11 है जिसका आंसर है सी, ये भिन्न है और सबसे। ठीक है, अब ये 12वां है, 12वां में से भिन्न है डी और ये औरों से अलग है। नेक्स्ट, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा बाद में, मैं अभी केवल आपको आंसर्स बता देती हूँ। नेक्स्ट, असंगत को ज्ञात कीजिए 13, तो इसका है बी। हाइग्रोमीटर और का दाब। ठीक है, नेक्स्ट, असंगत को ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर है सी अप्रैल जून सितंबर। ठीक है, अगस्त ये डिफरेंट है। ठीक, नेक्स्ट, असंगत को ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर है बी तलवार, पिस्तौल गन राइफल और तलवार अलग है। अब 16 से 18 तक जो क्वेश्चन रहेंगे वो समान रहेंगे, जिनमें तीन जो ऑप्शन रहेंगे वो समान रहेंगे और जो चौथा होगा वो डिफरेंट होगा, भिन्न होगा, तो इसमें 16 का है बी, इसमें आप सॉल्व करके देख लीजिएगा आ जाएगा आंसर, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। और 17वां का है सी शब्दकोश मैगनीज उपन्यास थीसिस, सॉरी मैगजीन, मैंने गलत बोल दिया था, मैगजीन उपन्यास थीसिस शब्दकोश अलग है। 18वां का है पणजी भोपाल पुणे सिलान, तो इसका है सी पुणे। ठीक है, सी पुणे, इस पे निशान नहीं लग पा रहा है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट नहीं है, इतने ही क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डालेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।